वैरायटी ऑफ नाश्ता आप खा सकते हैं इस एक बैटर से। अगर आप वर्किंग वूमेन है या फिर हाउसवाइफ है और आपको भी रोज़ सुबह उठ के ये टेंशन होती है कि मुझे यार नाश्ते में क्या बनाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे बड़ी बात, जो ये फर्मेंटेड रहता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के भी खिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमी, टेस्टी और डिलीशियस होता है। का बैटर है वो बनाना पड़ता है। तो एक्चुअली मेरे पास डोसे का बैटर था, बट मैं वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करूँगी कि डोसे का बैटर कैसे बनाना चाहिए। तो इस अगर एक बार आप डोसे का बैटर बना लेते हैं तो 3 से 4 दिन तो आपके नाश्ते की फुर्सत है। कभी आप डोसा बना लीजिए, कभी उत्तपम, कभी इडली और कभी अप्पे, 5 चीज़ें आप बना सकते हैं डोसे के बैटर से। तो क्यों ना यही कर लिया जाए। सैटरडे संडे को आप बैटर बनाकर रख दीजिए और उसके बाद फिर रोज़ नाश्ते में कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ नाश्ता आप खा सकते हैं इस एक बैटर से। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं डोसे का बैटर। इसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास प्लेन सादा राइस जो हम रोज़ घर पर बनाते हैं, और एक बॉइल्ड राइस, और थोड़ा सा मेथी दाना। ये मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ, आपके पास जो भी ग्लास होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस मेज़रमेंट से अगर आप करेंगे तो आपका बैटर कभी भी ख़राब नहीं होगा। सिंपल है, तीनों चीज़ों को ही हमें पानी में अच्छे से भिगा कर रख देना है 6 से 8 घंटे के लिए। मैंने आपको एग्जांपल बताया है, भिगा कर रख दिए, और रात के टाइम आपको मिक्सी कर देना है। ये रही मिक्सी, अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट डे जो है हमारा डोसा बैटर रेडी हो जाएगा। ये हमारा स्मूथ परफेक्ट डोसा बैटर बनकर रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। टिप ये देती हूँ, नमक डालकर कभी भी फ्रिज में डोसा बैटर नहीं रखना, कभी भी बिना नमक का रखना, और जब बनाना रहे तब आप नमक उसमें मिक्स कर सकते हैं। चलिए हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। एक टिप और है, गैस का फ्लेम हमेशा हाई रखेंगे आप, मीडियम या लो में डोसा कभी भी नहीं बनाया जाता है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद जो प्याज काट के हमने रखा है उससे अच्छे से ग्रीस करेंगे। जितना ज़्यादा हम ग्रीस करेंगे तो हमारा डोसा जो है तवे पर चिपकेगा नहीं, ये हमें बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए मैंने प्याज कितने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी मारेंगे, क्योंकि गैस हाई फ्लेम में था तो पानी मारने से जो है तवे का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हो जाएगा और डोसा हमारा बहुत अच्छे से बनेगा और चिपकेगा नहीं। अगेन प्याज से ग्रीस करेंगे और इसके बाद हम डोसे का बैटर डालने वाले हैं। कभी भी जो गोल चम्मच रहता है वो यूज़ कीजिएगा डोसा बनाने के लिए। देखिए मैंने 2 चम्मच डोसा बैटर लिया और कितने स्मूथली इसे गोल 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 बस घुमाते रहिए और आपका डोसा बहुत अच्छे से बन जाएगा, कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। ये बस प्रैक्टिस की बात है, जैसे जैसे आप 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। डोसे को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डोसा एक बहुत ज़्यादा हेल्दी डिश है जो कि हमें अपने घर पर बनाना चाहिए। जिसे नहीं आता वो मेरा वीडियो देखकर ज़रूर से इसे अच्छे से सीख सकते हैं बनाना, और फिर हमें इसे अच्छे से पकाना है। देखिए पकाने के पहले हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है, उसको गैस में ऐसी हाई फ्लेम में पकने दीजिए। जैसे ही अच्छे से ये पकने लगेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम लेंगे एक सराटा। देखिए मैं सराटे की हेल्प से कैसे डोसे को निकाल रही हूँ, बहुत आसानी से निकल गया है हमारा डोसा। अब हम इसमें जाएंगे बटर या फिर ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगता है। बच्चों के लिए बना रहे तो बटर यूज़ कर सकते हैं, और ये मैं चीज़ डाल रही हूँ उसमें। चीज़ डालने के बाद तो ये डोसा और यमी हो जाता है।
ये मैंने इसमें डाल दिया है चीज़, और इसे मैं अपने बच्चों को कैसा दे रही हूँ ये आप देख सकते हैं। मैं इसे जस्ट रोल करूँगी और नाइफ से कट करके अपने बच्चे को दे दूँगी ताकि वो इसे आसानी से खा सके। आपके बच्चों को जैसा पसंद है आप उसे वैसा सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा टेस्टी एंड यमी चीज़ डोसा बनकर रेडी है। ये है दूसरा डोसा, देखिए इसे भी मैंने वही टेक्निक से बनाया है। आप बस जस्ट मेरी टेक्निक फॉलो कीजिए, आपका एक भी डोसा ख़राब नहीं होने वाला है और आप बहुत अच्छा डोसा बनाने वाले हैं। ये चीज़ मैंने ग्रेट करके रखा था, ये इसके ऊपर बस डालना है और हमारा डोसा बनकर रेडी है। यह वीडियो देखकर अगर आपने ज़रा भी कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। प्लीज़ एंजॉय यम्मी डिलीशियस डोसा। टेक केयर, बाय बाय।